हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है, रिटेल इन्वेस्टर भागने लग जाते हैं, एंड इस चीज़ का फ़ायदा किसे होता है। इस चीज़ का फ़ायदा होता है केवल कुछ लोगों को, और वो लोग कौन है? वो लोग हैं HNIs, FIIs, अगर बात करें वो लोग हैं DIIs, मतलब अगर जो इतने ही बड़े बड़े लोग हैं जिन्हें मार्केट की अच्छी तरीके से नॉलेज है, जिन्हें पता है कि मार्केट गिरने के बाद फिर दोबारा ऊपर जाएगी, वो इसका फ़ायदा उठाते हो। और उनका पैसा कौन कमाता है? मतलब रिटेल इन्वेस्टर उस पैसे को गवाते हैं, और कौन कमाता है? वो कमाते हैं यही लोग। तो आपको बताऊं, इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर हम डेली शेयर से रिलेटेड वीडियो डालते हैं। जो अच्छे शेयर हैं हम वीडियो डालते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज के लिए, हम वीडियो डालते हैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर की संख्या कितनी है आपको पता है? सबसे जो मार्केट, पहली बात तो इंडिया में बहुत कम लोग, बात की जाए 2 से 3 करोड़ लोग ही इन्वेस्ट करते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट में भी केवल बड़े बड़े लोग बहुत कम हैं जो FIIs, DIIs जो मार्केट में पैसा बनाते हैं, और वो लोग सबसे ज़्यादा है जो रिटेल इन्वेस्टर जिन्हें कहते हैं, और वो पैसा गवाते हैं, और HNIs जो बड़े बड़े लोग हैं कमाते हैं। तो इसी से रिलेटेड ये आप वीडियो है, इसमें हम उन्हीं लोगों की हेल्प करते हैं, बताते हैं किस तरीके के शेयर चुनने हैं, क्या हमें करना चाहिए, गिरावट होती है तो हमें क्या करना चाहिए। आपको इसी चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियो हमेशा इस हमारे चैनल पर मिलेगी। तो और नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप यहाँ पर जाएंगे हमारे वीडियो सेक्शन में, देखिए अलग अलग वीडियो बनाते रहते हैं TCS। यहाँ पर एक वीडियो मैंने आपको थर्सडे को बनाई थी, सॉरी मैंने यहाँ मंडे को बनाई थी, और मंडे को जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो ट्यूसडे को ये शेयर 15% भागा था। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, IRCTC एज वेल एज हिंदुस्तान फूड अडानी गैस से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई थी, इस वीडियो को देख लीजिएगा। और यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिलेंगे, अगर आपका ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट नहीं है क्लिक करें, फ्री में ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट करें, कोई चार्जिंग लगेगा। एज वेल एज बात करें, यहाँ पर एक और लिंक है, श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, यहाँ पर क्लिक करें, इनकी वेबसाइट पे आपको ले जाएगा, और आप अपने इच्छा अनुसार आप दान दे सकते हैं, और दान देने से हमेशा पैसा बढ़ता है, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। सॉरी, तो आइए वीडियो की तरफ। तो देखिए स्टॉक जो आज का टॉपिक है ना, आज का टॉपिक सिंपल है, कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें क्या टॉपिक है, कि स्टॉक मार्केट क्रैश, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, हमारी जो पहला जो वेव आई थी कोविड की उसमें इतने केसेस नहीं बढ़ रहे थे, बट अभी जो केसेस है वो अब बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन की न्यूज़ें आ रही है, कई जगह नाइट कर्फ्यू लग रहे हैं, अलग अलग न्यूज़ें आ रही है, शेयर मार्केट गिरते जा रहा है, थोड़े दिन एक दिन भागता है, 5 दिन गिर रहा है, और या एक दिन 5 दिन भाग रहा है, एक दिन गिर रहा है, तो एक दिन में वो 5 दिन की जितनी भी कमाई है आपकी पूरा ले जाता है, और आपका जो पैसा है बिल्कुल कम हो जाता है। तो स्टॉक मार्केट में क्रैश होता रहते हैं, क्रैश होते रहेंगे, और शेयर अगर आप सोच रहे इस तरीके से भागते रहेगा ऊपर ही ऊपर ही ऊपर ही ऊपर, तो ऐसा नहीं होता। और यहाँ पर किसी भी चार्ट पैटर्न में देखेंगे, ऊपर भागता है फिर नीचे जाता है, फिर नीचे जाता है फिर ऊपर भागता है, यही एक शेयर की चाल होती है। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में यही होता है कि शेयर को ऊपर ही जाना है, बट आपको करना क्या है, आपको किन शेयरों में आपको इन्वेस्ट करना है, वो हम आपको यहाँ इस चैनल पे बताते रहते हैं। तो इस चैनल से जुड़े रहिए, करना और दूसरे लोगों को भी जोड़िए, तो हम इसमें यहाँ पर आपको न्यूज़ देते रहते हैं। तो सबसे पहले हम दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर की बात करते हैं। तो ये कौन है? ये है वॉरेन बफे साहब, ये बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक है, और टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन में इनका नाम हमेशा आता ही है, पिछले 20 सालों से इनका नाम आ रहा है। अगर बात करें, देखिए, अनलेस यू कैन वॉच योर स्टॉक होल्डिंग डिक्लाइन बाय 50% विदाउट बिकमिंग पैनिक स्ट्रिकन, यू शुड नॉट बी इन द स्टॉक मार्केट। तो इनका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बिना पैनिक हुए, मतलब बिना डर लगे, अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं और आपका पोर्टफोलियो पूरा, जो आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो 50,000 रुपये आ गया, 10 लाख का पोर्टफोलियो 5 लाख पे आ गया, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो 50,000 रुपये आ गया, अगर आप इस चीज़ को झेल सकते हो ना, तो यू वुड बी अ किंग ऑफ स्टॉक मार्केट।
वन डे। और बात की जाए अगर आप अगर इस तरीके के डिक्लाइन को आप टॉलरेट नहीं कर सकते ओके, तो आपको स्टॉक मार्केट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट विल नेवर वेलकम यू एवर एंड यू विल नेवर एवर मेक प्रॉफिट ओके एंड मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। तो इस बात को हमेशा याद रखना, स्टॉक मार्केट में पैसा वो ही कमाता है जो स्टॉक मार्केट में डटा रहता है और हमेशा इन्वेस्ट करके रखता है। ये नहीं कि गिरावट आ गई बेच दे, गिरावट तो देखिए आती रहती है, गिरावट अभी भी आ रही है। और अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50 की, तो यहाँ पर अगर हम एक साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं, यहाँ पर मार्च में भी ये फरवरी में मार्च में ये गिरावट आई थी और कितनी 50% गिरावट आई थी। लोग डर गए थे, लोग डर के बेचने लग गए थे, बट जिन्होंने बेच दिए काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक उन्होंने बेचे, लोगों ने उठाए और लोगों ने उठा के उनका उसका फ़ायदा उठाया और कितने 80% यहाँ पर निफ्टी 50 भाग चुका है। एज वेल एज बात करें सेंसेक्स, तो सेंसेक्स भी देखिए यहाँ पर इसी तरीके से गिरा था, गिरने के जितने पे गिरा नहीं था 40 पे गिरा था ओके, 41 पे जाके यहाँ पर 25 के आसपास आया था, फिर उसके बाद आज की डेट में 50-51 पे जाके ठहर चुका है। और आज भी बात करें 49, मतलब स्टॉक मार्केट की जर्नी आप समझ रहे हैं कि क्या होती है। स्टॉक मार्केट की जर्नी यही होती है कि यहाँ पर ऊपर जाना है। अगर आपको अपनी इकोनॉमी पे, अपनी इंडियन इकोनॉमी पे आपको भरोसा है, जो कि भारत के लोग भरोसा कर रहे हैं, तो आपको स्टॉक मार्केट में हमेशा इन्वेस्टेड रहना चाहिए। इन्वेस्टेड का असूल ही यही है कि आपको मार्केट में टिका रहना है ताकि आपके गिरावट ही आएगी, हमेशा गिरावट आएगी। यहाँ पर 2008 में भी यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट आई है, तो ये गिरावट आती रहेंगी। और मार्केट में पैसा लोग वही कमाते हैं जो डटे रहते हैं। तो यहाँ पर जिन्होंने देखी, यहाँ पर भी किसी ने खरीदा होगा, बट यहाँ से भी अगर हम देखते हैं तो स्टॉक मार्केट सेंसेक्स 150% भाग चुका है। और यहाँ पर बात करें कभी सेंसेक्स 500 के आसपास हुआ करता था यहाँ पर ओके, यहाँ पर आप देखेंगे तो कभी 500 के आसपास हुआ करता था, और आज की डेट में मतलब 100 गुना ये बढ़ चुका है, समझ रहे BSE यहाँ पर 100 गुना बढ़ चुका है 1986 से अभी तक। तो मार्केट में आप अच्छे स्टॉक्स में जो क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी बनते किससे, सेंसेक्स और निफ्टी केवल स्टॉक से ही बनते हैं, ये कोई अलग से कोई स्टॉक तो है नहीं, ये अलग, हाँ स्टॉक है अलग से BSE, बट ये बनता किससे, ये उन्हीं स्टॉक से बनता है। इसमें 30 स्टॉक्स है, इसमें 50 स्टॉक्स है, तो उन्हीं स्टॉक से ये बनता है। और उन्हीं स्टॉक्स से में आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जो कि आपको अच्छे अच्छे खासे रिटर्न आपको देते जाएंगे। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में हमेशा डटे रहिए, उसी केस में आपका पैसा बनेगा। यहाँ पर हमने बात करें तो हमने बहुत सारी वीडियोज भी बना रखी है। यहाँ पर देखिए 1,00,000 का इन्वेस्ट करिए, 800 करोड़ का सफर ओके। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी होती है थोड़ी, देखिए मैं आपको बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप एक महीने में क्या कहते हैं 1,00,000 के 2,00,000 बना लोगे, बिल्कुल नहीं बना पाओगे। और बना भी लोगे तो एक दिन ऐसा धोखा खाओगे कि आप 1,00,000 से 0 पे आ जाओगे और 0 का फिर 1 रुपये भी नहीं हो बनेगा, आपको सिंपल पता ही है। बट हाँ, 1,00,000 रुपये आपके पास है और आप इन्वेस्टर और आप सही तरीके से इन्वेस्ट करते हो और महीने का अगर 5% कमा लेते हैं, 5% कमा लेते हैं, तो 800 करोड़ रुपये का सफर बिल्कुल टैक्स काट के आप बना सकते हैं। इस वीडियो को देख लीजिएगा, ऊपर बटन पे लिंक दे दूंगा, इस वीडियो से सीखने को आपको काफी कुछ मिलेगा। एज वेल एज अगर हम बात करें और भी चीजों की, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर और भी हाउ टू, यहां पर इन्हें जानते हैं, इन्हें आप हमेशा जानते होंगे, रमेश दमानी साहब है, चेयरमैन है डीमार्ट के। डीमार्ट आपको पता ही है कितनी बड़ी रिटेल चेन में आता है। तो हाउ टू मेक 100 करोड़ बाय इन्वेस्टिंग 10,00,000, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज बन जाएंगे। आप चाहेंगे तो मुझे बताना, मैं इनके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से 100 करोड़ रुपए बट किस तरीके से बनते हैं, इसी तरीके से पैसे बनते हैं। यहाँ पर इस वीडियो को भी देख लेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पैसे किस तरीके से बनते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग एक ऐसी पावरफुल चीज़ है ना, जो आपके पैसों को इतना बढ़ा देती है कि आप पैसे गिनते गिनते भूल जाते हैं। अच्छे खासे लोग, जितने बड़े बड़े मार्केट में लोग हैं, उन्होंने इसी तरीके से पैसा कमाया है ओके। और सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट में आपको सीखने की है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको इन्वेस्टेड रहना है स्टॉक्स में, आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स चूज करने। और अच्छे अच्छे स्टॉक्स क्या कैसे चूज कर सकते हैं, तो देखिए मैंने एक वीडियो बनाई थी क्या, हाउ टू यूज स्क्रीनर, मतलब स्क्रीनर एक ऐप है जो फ्री में आपको यूज़ करने को मिलता है, आप फ्री में इसे यूज़ कर सकते हैं और इसके थ्रू ओके आप मार्केट में अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे कि मैंने इसमें यूज़ करना बताया, उसे आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आई बटन डिस्क्रिप्शन दोनों पर लिंक दे दूंगा, देखिए।
तो देखिए मैंने स्क्रीन का यूज़ किया और मैंने क्या निकाला, मैंने ऐसी कंपनी निकाली जो ROCE जिनका क्या कहते हैं 30 से ऊपर है, एज वेल एज मैंने ऐसी कंपनी निकाली जिनका मार्केट कैपिटल सबसे ज़्यादा है। तो देखिए मार्केट कैपिटल से क्या होगा कि हमारा जो हमें पता चल जाएगा कि स्टॉक हमारा कितना पावरफुल है, उसकी मार्केट कैपिटल से पता चल जाएगा। एज वेल एज बात करें ROCE की, तो ROCE क्या ROCE होती क्या है, तो पहले तो बता देता हूँ ROCE क्या होती है। ROCE होती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके, कि आप फाइनेंशियल रेशियो दैट मेजर्स अ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। सिंपल है कि कंपनी क्या पैसे कमा रही है, कितना पैसे कमा रही है और उस पैसे में से आपको कितना मिल रहा है, वो ROCE होती है। सिंपल सी बात ये है बिल्कुल। तो ROCE अगर कोई कंपनी अच्छा खासा दे रही है ना, तो समझिए उसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है। और उसी कंपनी में इन्वेस्ट करके अगर इस तरीके की आपको कितनी कंपनी यहाँ पर मिल रही है, समझ रहे हो, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो आगे चलते देखते रहिए 30% से ज़्यादा की ROCE निकाली है, तब 50 कंपनीज निकल के आ रही है। तो यहाँ पर आप देखिए समझिए और उस कंपनी के किस तरीके से हम रिसर्च करते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, हमें नहीं जाना हमें डीपली भी नहीं घुसना, ओके, हमें कम भी नहीं रहना, हम मिड में भी रहेंगे ना तो भी अच्छा खासा पैसा हम कमा लेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए TCS अच्छी कंपनी है, इन्फोसिस अच्छी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, एशियन पेंट, नेस्ले, सारी निफ्टी 50 की, ओके, और अलग अलग कंपनीज है जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रही है। तो इन्हीं कंपनी में आपको पैसा लगाना है, इन्हीं कंपनी में पैसा लगा के अच्छे खासे पे आपको पैसा बनाना है। इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनी भी आएगी, देखिए यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, जिनकी ROCE बहुत ज़्यादा भी है, बट यहाँ पर सब कुछ देखना, मार्केट कैप भी देखना, उसके रिजल्ट्स भी देखना, तब आपको इन्वेस्ट करना है। आपको ऐसे इन्वेस्ट नहीं करना, आपको अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना है ताकि आपको आपका रिस्क भी कम हो और आपको रिवॉर्ड अच्छे खासे मिले। रिस्क तो मार्केट में है ही, मार्केट में आप रहोगे तो रिस्क तो हमेशा रहेगा ही, TCS हो चाहे इन्फोसिस हो, बट इन कंपनी पे आपको भरोसा है, इनके मैनेजमेंट पे भरोसा है, ये अच्छी कंपनी चलती है, कंसिस्टेंसी प्रॉफिट दिखाती है, कंसिस्टेंसी रेवेन्यू होता है इनका, तो आप इन्हीं कंपनी में रहिए। मार्केट के लीडर है, मार्केट में आप जाते हैं तो एशियन पेंट्स खरीदते हैं, मार्केट घर पे आपके हिंदुस्तान यूनिलीवर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, ITC के प्रोडक्ट्स रहते हैं, IT कंपनी सबसे बड़ी यही है इंडिया की, ब्रिटानिया की आप बिस्किट खाते हैं, फेविकॉल आप यूज़ करते हैं, ओके, गैस आप यूज़ करते हैं, नेस्ले की आप मैगी खाते हैं, ओके, यहाँ पर आप देख लीजिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो HDFC में करते हैं, मैरिको आप सफोला का तेल यूज़ करते हैं तो मैरिको यूज़ करते हैं, कोलगेट यूज़ करते हैं, कोलगेट पैल्मोलिव यूज़ करते हैं, और क्या चाहिए, देखिए सब चीज़ यहाँ पर मार्केट में वही जो आप डेली यूज़ करते हैं। यहाँ पर कंपनियाँ हैं, उन्हें चूज़ करिए, और कैसे चूज़ करते हैं इस वीडियो को देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से यूज़ करते हैं, हाउ टू यूज़ स्क्रीन, सिंपल डेट फ्री कंपनी आपको मिलेगी, एज वेल एज आपको ROCE अच्छी किसकी है, ये सब चीज़ मिलके आप उन कंपनियों पर रिसर्च करें, उन कंपनी पर इन्वेस्ट करें, अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे। एज वेल एज बात करें CAGR इस कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये अगर इस तरह 30% के CAGR से आपका पैसा बनता है, अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। और फिर इसके बाद एक और इन्वेस्टर्स की बात करूंगा, इन्वेस्टर्स के ट्रेडर की बात करूंगा, जिम सिमंस। बात करें वॉरेन बफेट साहब ने 20-21% के CAGR से पैसा कमाया है, इन्होंने 60% के CAGR से पैसा कमाया है, मैथमेटिशियन है, आज तक अपनी स्ट्रेटेजी अपनी हाउ टू ही डू ट्रेडिंग इन्होंने कभी रिवील नहीं किया, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं हेज फंड एंड सभी चीज़ से रिलेटेड है और अच्छे खासे नियर है, 21वें सबसे रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड के, ओके, और इनकी 20 साल की जर्नी में इन्होंने इतना पैसा कमा लिया है कि 21वें नंबर पर ये रिचेस्ट पर्सन में आ गए हैं। इनकी आप बायोग्राफी पढ़िए, इनके बारे में नेट पे सर्च करिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा, ओके। और तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बिजनेस एनालिसिस, ओके, इन्वेस्टिंग जिसे हम कहते हैं, और फंडामेंटल एनालिसिस, और उसके बाद टेक्निकल, आप सब मिला देते हो ना तो आप मार्केट में 30-40% के एनुअल रिटर्न कमा सकते हो, और इस तरीके के पैसे आप मार्केट से कमाते हो तो आपके पैसे ओके करोड़पति हो, मतलब आपके पैसे मल्टी बैगर होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। इसलिए इस वीडियो को भी देखिए, इसमें आपको कंपाउंडिंग की आपको नॉलेज मिलेगी, एज वेल एज किस तरीके से आपको करना है, उसमें थोड़ा सा मैंने हिंट भी दी है। 5% कमाना है, 1,00,000 रुपये लगाइए, 5% कमाइए, और जोखिम की बात करें तो बिल्कुल ना के बराबर जोखिम है बट ना के बराबर जोखिम है, तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारा चैनल है बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार,
बाजार, ओके, इससे रिलेटेड हम वीडियो बनाते रहते हैं, स्टॉक्स के बारे में बात करते रहते हैं, हम रेशो के बारे में बात करते रहते हैं, हम उनके किस तरीके से हम डेटा फैच करें वो उसके बारे में बात करते रहते हैं, ओके, हम बिजनेस के फंडामेंटल्स भी चेक करते हैं, बिजनेस मॉडल भी समझते हैं, हम उसके फाइनेंशियल्स भी समझते हैं, तो इसलिए दूसरे लोगों को भी मार्केट से कनेक्ट करें, खुद पैसा कमाने में कोई मज़ा नहीं है, साथ साथ दूसरों के कमाओगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलोगे, तो यूनिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, सुनाई है तो एकता में बल है, उसी तरीके से आप अच्छा खासा पैसा कमाते रहेंगे। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो था, अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और एक बात और कहना चाहता हूँ, मार्केट में जब भी गिरावट होती है डरने की बिल्कुल बात नहीं होती, मार्केट जिस रफ्तार से नीचे आता है उस रफ्तार से नीचे जाता भी है, ये आप देख चुके हैं पिछले एक साल में, मार्केट यहाँ गिरा और फिर अच्छे खासे रिटर्न दिए, अगर यहाँ पर भी किसी ने खरीदा होगा और यहाँ पर भी देखते हैं तो फिर भी 17% इसके हिसाब से, और यहाँ पर तो निफ्टी के हिसाब से बोल रहा हूँ, अगर किसी ने स्टॉक स्पेसिफिक की बात करूँ तो वहाँ पर उन्होंने अच्छे खासे रिटर्न कमाए हैं, इसलिए डरने की बात नहीं है, अच्छे अच्छे स्टॉक चुनो, ओके। मार्केट में गिरावट होती रहती है, यहाँ पर देखिए अच्छी खासी गिरावट हुई है, लोग डरे हुए हैं, 5100 से 6-7% की गिरावट है, कोई इश्यू नहीं है, जितना हो बाय ऑन डिप्स करने के सोचो, जो स्टॉक्स की आप रिसर्च करते रहिए, जो स्टॉक अच्छे लगते हैं उसमें लॉन्ग टर्म बने रहिए, और अपनी खुद की एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि आपको मार्केट से कितना चाहिए, 5% 10% 15% 20% उस जितना ही मिले चुपचाप निकल जाइए, फिर इन्वेस्ट करिए मार्केट में। अगर आप सोचेंगे कि अभी इसमें मैं निकल जाता हूँ फिर नीचे आके फिर खरीदूंगा, तो वो एक कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं है, इस तरीके से होता तो फिर आप मार्केट में सबसे ज़्यादा अमीर होते, आपको नहीं पता कि मार्केट कब ऊपर जाएगी कब नीचे जाएगी, तो ये आपको नहीं पता, इसलिए आप इन्वेस्टेड रहिए। ये होगा कि आपका पोर्टफोलियो का प्रॉफिट जहाँ 40,000 हो रहा था वहाँ पर कल को 10,000 आ जाएगा, बट अगर आप उसे टाइम देंगे फिर दोबारा वो 50,000 चला जाएगा, 40 हुआ 10 आया फिर 50 हो गया, 50 हुआ 25 आया फिर उसके बाद फिर 60 चला गया, तो यही मार्केट का असूल है, इस तरीके से ही मार्केट चलती रहती है। यहाँ देख रहे हैं ना ये कर्व, यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे, यहाँ पर एक एक दिन का भी परफॉर्मेंस देखेंगे, किसी कभी गिरावट है कभी बढ़ रहा है, और अच्छी खासी गिरावट भी देखेंगे तो अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट हर बार हुई है, कभी 20% कभी 15% कभी 40%, इसलिए डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, स्टे इन्वेस्टेड, मार्केट में रहोगे तो मार्केट से पैसा कमाओगे, मार्केट से बाहर रहोगे तो मार्केट से पैसा बिल्कुल भी नहीं कमाओगे, ओके, फिर आप निकलते रहोगे क्योंकि आप यहाँ पर निकालोगे, क्योंकि देखिए हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, जब ऊपर जाता है तो हम सोचते हैं कि और ऊपर जाने, तो फिर नीचे आ जाता है तो हम क्या कहते हैं निकल जाते हैं, फिर हमारा जो प्रॉफिट होता है फिर वो लॉस में चला जाता है, फिर हम सोचते हैं कि ये कल और लॉस में जाएगा बट अगले दिन भाग जाता है, आप निकल जाते हो वो स्टॉक भाग जाता है, तो इससे रिलेटेड भी मैंने आपको एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी दे दूंगा, कि आप शेयर खरीदते हैं ओके तब वो गिर जाता है और आप शेयर बेचते हैं तो वो भाग जाता है, क्यों कर्त होता है, उसे लोग अच्छे लोगों ने प्यार दिया उस वीडियो को भी, तो उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, तो उस वीडियो को भी जाके देखिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो लाते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।